नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। क्षत्रिय पवार समाज संगठन के तत्वाधान में बालाघाट नगर मुख्यालय के निर्माणाधीन पवार छात्रावास भवन में वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में रक्त की पूर्ति बनी रहे और रक्त की कमी के कारण किसी के प्राण संकट में न पड़े और रक्तदान के लिए युवा भी इस कठिन दौर में रक्तदान के प्रति प्रेरित हों, ऐसे जन जागरण मंशा से 30 मई रविवार को सामाजिक लोगों द्वारा स्थानीय पवार छात्रावास भवन में रक्तदान किया गया। उल्लेखनीय है कि वैक्सीनेशन के बाद एक निश्चित समय के लिए व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता और वर्तमान समय में 45 प्लस और 18 प्लस उम्र वालों का भी वैक्सीनेशन कार्य तेजी से प्रारंभ है। इस बाबत वैक्सीनेशन के पूर्व ही युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। इस समय जब हर व्यक्ति कोरोना से भयभीत है, ऐसे समय में भी युवा पीढ़ी समाज हित में कोरोना अनुशासन का पालन करते हुए रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक भाग ले रही है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समाजसेवी शेषराम रहंगडारे ने बताया कि इस आयोजित रक्तदान शिविर में अनेक युवा साथियों ने रक्तदान किया और आगामी आवश्यकता को देखते हुए रक्तदाताओं की सूची भी रक्त सहित तैयार की गई है, जो किसी भी तत्काल परिस्थिति में फोन आने पर रक्तदान कर सकते हैं। विदित है कि इसके पूर्व भी इस माह कई युवाओं ने जिले के अलग अलग स्थानों में रक्तदान किया है। इस रक्तदान शिविर में शेषराम रहंगडाले, भारती पारधी, गौरव पारधी, मीनाक्षी हरण खेड़े, संजय चौधरी, विजय चौधरी, आरक्षक धर्म परमार, एमआर शैलेंद्र ठाकरे सहित अनेक लोगों ने कोविड टीकाकरण के पहले रक्तदान किया। जी, आपका परिचय? मेरा नाम आरक्षक धर्म परमार। कहाँ पर अजस्त है सर? एसपी उत्तर बालाघाट। क्या सर, आपने ब्लड डोनेशन किया आज? कितने साथी थे आप लोग? जी, कितने साथी थे आप लोग जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन किया? सर अभी तो मेरे को भी पता चला था, तो मैं अकेले आया हूँ जी। तू पहले दे? और कुछ हमारे साथी पहले भी दे चुके हैं, कुछ अभी डिलीवरी करने के बाद ही यहाँ पर आ रहे हैं जी। आपका परिचय? मेरा नाम शैलेश ठाकरे है और मैं बालाघाट से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार डोनेट कर रहा हूँ जी। अच्छा लग रहा है। क्या एक अभी चालू करी थी जी? सर बताइए, आज क्या कार्यक्रम है? आज हमने पवार समाज की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें सर समाज के लोग इसमें रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सामने महामारी आई थी इसको देखते हुए हमने समाज ने निर्णय लिया कि हमें अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करके रक्तदान करना चाहिए, जिससे जो भी क्या कहते हैं बीमारी से जो ग्रस्त लोग हैं उसको उसका फ़ायदा मिल सके और जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो प्लाज्मा भी दे सकते हैं, ये कोरोना होने के 28 दिन बाद ही दे सकते हैं। सर तो इसमें कहाँ कहाँ से जो है मतलब ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आए हुए हैं? लोग तो यहाँ अभी बालाघाट नगर के ही हैं। अच्छा, मुख्य नगर के? कुछ वाराणसी से भी आ रहे हैं जी, और खासकर युवा लोग हैं और जिन्होंने जो हमने कार्यक्रम तो रखे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड दान करें, कम से कम 40-50 लोग, लेकिन अभी डॉक्टरों ने बताया कि जिनको अभी अभी वैक्सीन लगी है 15 दिन एक महीने के अंदर वो लोग अभी ब्लड दान नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारे कुछ लोग कम हो गए। लेकिन जिनको वैक्सीन लगने को ज़्यादा समय हो गया है या अभी नहीं लगा पाए हैं ये सब लोग युवा लोग ब्लड दान कर रहे हैं। कितना यूनिट हो चुका है अभी तक? एक एक यूनिट सब लोग दे रहे हैं। अभी तक कुल कितना हो चुका है? अभी तक 10-11 लोग हो चुके हैं। शाम तक और आए हो जाए? हाँ, अभी भी चलते रहेंगे। कब तक चलेगा ये? ये 2-3 बजे तक चलेगा। 2-3 बजे? और कुछ महिलाएँ भी दे रही हैं जी। सर आपका परिचय बताएं? सर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया पवार समाज की ओर से? आज पवार समाज की ओर से पवार छात्रावास में ब्लड डोनेट कर रहे हैं समाज के लोग भी, और जो अगर जो इच्छुक है ब्लड डोनेट करने वाला दूसरे समाज में वो भी आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ के युवाओं ने भाग लिया? यहाँ से युवा है प्राय शहर के सभी लोग हैं, क्योंकि कोरोना काल और ने जो लॉकडाउन चल रहा है तो गाइडलाइन का पालन करते हुए बाहर के लोग नहीं आए, कि जितने भी शहर के लोग हैं सामाजिक बंधु ये काफ़ी संख्या में आए हुए, लगभग हम लोगों के 100 लोगों का ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया, तो अभी तक 30 लोगों का हो चुका ब्लड डोनेट और 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लक्ष्य का ये संख्या 5 बजे तक पूरी हो जाएगी 100 लोगों को ब्लड डोनेट करने की, और एक उद्देश्य से ब्लड डोनेट किया जा रहा है कि अभी जो आगे वैक्सीन लगने वाली है तो वैक्सीन लगने के बाद ब्लड डोनेट कर नहीं पा रहे हैं, इस लोगों ने हमने समाज की तरफ से पहल की कि हम ब्लड डोनेट करके पहले इसकी व्यवस्था कर लिया जाए कि अगर जिसको भी ब्लड की जरूरत पड़े तो इनको सहयोग के लिए इस तरह के काम।